प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आज का लेक्चर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस। आपकी जो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है, उसमें क्या मेजर्स हैं, किसका हाँ किस तरह हम इसको टैकल करते हैं, इसमें हमने आज के लेक्चर में ये कंटिन्यू करना है। जैसा कि स्लाइड में आपको मेंशन है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सम टाइम्स शॉर्टेंड टू इन्फो सिक्योरिटी, INFOSEC, इन्फो, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसका शॉर्ट फॉर्म किया गया। इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, मॉडिफिकेशन, इंस्पेक्शंस, रिकॉर्डिंग्स और डिस्ट्रक्शन। ये वो चीजें हैं जो कि आप, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बाज़कात ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को डिफेंड करती है। किस से डिफेंड करती है? अनऑथोराइज एक्सेस से, अनऑथोराइज यूज से, डिस्क्लोजर से, मॉडिफिकेशन, अनऑथोराइज मॉडिफाइड हो जाए या अनऑथोराइज इंस्पेक्शन आ जाए, रिकॉर्डिंग आ जाए, डिस्ट्रक्शन आ जाए, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाती है आपको आपकी इंफॉर्मेशन को डिफेंड करने की। उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस। It is a general term that can be used regardless of the form of data, may take electronic, physical. इससे ये एक जनरल टर्म इसलिए है कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर आपका डाटा जो लेने की कोशिश करते हैं, और डाटा आपका किस हिसाब से लेने की कोशिश करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा आपका फेच करने की कोशिश करते हैं या फिजिकली डाटा फेच करने की कोशिश करते हैं। यही दो रीजन होती हैं जो कि सिक्योरिटी के अंडर आती हैं, और इससे आपके इंफॉर्मेशन की जितनी भी सिक्योरिटी के हवाले से आपकी इंफॉर्मेशन सेव पड़ी होती है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको बेसिकली डाटा ही कहा जाता है।